युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद अभिषेक बैनर्जी ने सोमवार को हुगली हावड़ा दक्षिण 24 परगना में एक के बाद एक कई सभाएं की। उन्होंने बाली की सभा से भाजपा के आसन परिवर्तन के दावे पर जमकर कटाक्ष किया। अभिषेक ने कहा कि भाजपा कहती है बंगाल में आसन परिवर्तन लाएंगे। देखिए, इनके आसन परिवर्तन का नमूना यह है कि रसोई गैस का दाम 900 रुपए, सरसों तेल 170 रुपए प्रति लीटर, पेट्रोल का दाम 100 के पार, डीजल 90 रुपए प्रति लीटर, आलू प्याज का दाम आसमान छू रही है। ये है आसन परिवर्तन का पहला नमूना। जबकि तृणमूल सरकार स्वास्थ्य साथी, फ्री राशन से लेकर कई बड़ी सेवाएं मुफ्त में लोगों को दे रही है। अभिषेक ने कहा कि किसी भी हाल में बंगाल बाहरी लोगों के सामने नहीं झुकेगा। আপনি যদি প্রকৃত রাজনীতিবিদ হন, আপনি আপনার রিপোর্ট কার্ড নিয়ে আসুন, আমি মেনে নিলাম, ধরে নিলাম তর্কের খাতিরে। তৃণমূল কংগ্রেস ছোট দল, গরিবের দল, শ্রমিকের দল, কৃষকের দল, খেটে খাওয়া মানুষের দল, ছাত্র যুবর দল, এসসি এসটি ওবিসির দল, মাটির দল, মানুষের দল। আপনি দেশের সব থেকে বড় দল। আপনি যদি প্রকৃত রাজনীতিবিদ হন, তাহলে আপনি আপনার রিপোর্ট কার্ড নিয়ে আসুন। 7 বছর কেন্দ্র সরকারের ক্ষমতায় রয়েছে, এই বালির মাটির জন্য আপনি উন্নয়নের নিরিখে কি খতিয়ান কাজ করেছেন, খতিয়ানের নিরিখে তুলে ধরুন।